हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंगलेट की रेसिपी, जिसे हम मूंग दाल से बनाएंगे। अगर आप नाश्ते के लिए कुछ हेल्दी, कुछ टेस्टी, झटपट बन जाने वाला नाश्ता ढूंढ रहे हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मूंगलेट बनाने के लिए हमें मूंग दाल चाहिए। यहाँ पर 3 से 4 घंटे भीगी हुई मैंने मूंग दाल ली है। 3 से 4 घंटे भीगने के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, ये अच्छे से फूल जाती हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लेना है। मूंगलेट को और भी क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 घंटे भीगे हुए चावल ले लिया है। अब हमें इन सबको पीस लेना है। मिक्सी के जार में 1 कटोरी के करीब मैं मूंग दाल ऐड कर लूँगी। इसे पीसने में हमें पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपको पीसने में दिक्कत आती है तो आप 1 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। मूंग दाल डालने के बाद इसमें हमें 2 चम्मच भीगे हुए चावल ऐड कर लेना है। 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेनी है। 5 से 6 हमें लहसुन की कलियां छिली हुई ऐड कर लेनी है, और आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। फिर इन सबको हमें पीस लेना है। इसका हमें स्मूथ बैटर बना लेना है। फिर हम किसी बर्तन में इस पिसी हुई दाल को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक छोटी चम्मच इसमें हमें नमक ऐड कर लेना है। 1 बारीक कटी हुई हम प्याज ऐड कर लेंगे। आप और सब्जी अभी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ प्याज ऐड कर रही हूँ। इसमें हम 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो आप 1/2 चम्मच इनो ऐड कर लीजिए। इनो या बेकिंग सोडा डालने से हमारे मूंगलेट फ्लफी बनेंगे। फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन में मूंगलेट अच्छे बनते हैं। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल का ऐड कर लेंगे। तेल को हम चारों तरफ पैन में घुमा लेंगे अच्छे से। फिर इसमें जो हमने बैटर बनाया था उसे हम ऐड कर लेंगे, और फिर चम्मच की हेल्प से इसे हम चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से फैला लेंगे। बैटर हमें पतला नहीं फैलाना है, इसे हमें मोटा ही रहने देना है। बैटर फैलाने के बाद हम गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे। हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। धीमी आंच पर हम इसे 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है जिससे हमारे मूंगलेट अच्छे से पक जाएँ। 4 से 5 मिनट बाद हमें ढक्कन हटाकर मूंगलेट को पलट लेना है। मूंगलेट जब किनारे छोड़ने लगे तब इसे ध्यान से आप पलट लीजिए। एक साइड से इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, दूसरे साइड भी ये अच्छे से पक जाए। हम ढक्कन लगाकर इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर हम इसे पलट लेंगे। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। दूसरे साइड से भी मूंगलेट हमारे पक चुके हैं। इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम गैस ऑफ करके इसे निकाल लेंगे प्लेट में। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी झटपट बनने वाला नाश्ता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चाकू या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मूंगलेट को पीसेस में कट कर लीजिए, और इसे धनिया पुदीने की चटनी या सॉस या इमली की चटनी के साथ आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।